Hi, good morning guys. अभी सुबह सुबह का टाइम है, लंच टाइम तक नहीं हुआ है. एंड गेस व्हाट एम आई स्टार्टिंग माई डे विद. आई एम इन मैंगलोर सिटी एंड वी आर एट पब्बाज. इट्स अ वेरी रिनाउंड आइसक्रीम प्लेस, आइसक्रीम पार्लर, जहाँ पे बहुत सालों से आइसक्रीम बिक रही है. एंड टुडे आई एम हेयर टू ट्राई आउट सम आइसक्रीम. मैंने कल रात को भी ट्राई आउट की थी एक्चुअली. आई हैड कम हेयर फ्रॉम मुल्की टू मैंगलोर एंड टुडे वी आर हैविंग एन आइसक्रीम अगेन. And I'm not even an ice cream fan as such. Can we go and sit there? सो हैप्पी फाइनली सेइंग दिस बिकॉज मैंने आज तक कोई केरला पे वीडियो सीरीज नहीं क्रिएट की है. एंड यू वुड इमेजिन दैट एन इंडियन ट्रैवल ब्लॉगर वुड ऑब्वियसली क्रिएट अ वीडियो सीरीज ऑन केरला. सो कोविड के बाद, मतलब पैंडेमिक तो अभी चल रहा है, बट एवर सिंस द लॉकडाउन हैज़ ओपन्ड, आई वॉज गेटिंग इन्वाइटेड बाई लॉट ऑफ प्लेसेज इन केरला. सो आई डिसाइडेड एक तो सीरीज भी बनानी है, ऊपर से द प्लेस इज सो ब्यूटिफुल एंड आई डेफिनेटली वॉन्ट टू टेक यू अराउंड एंड डू अ डीप डाइव इन टू द फूड, इन टू द कल्चर एंड इन टू द ब्यूटिफुल लोकेशंस ऑफ केरला. सो या, इट्स अ गुड टाइम टू विजिट. बट बिफोर आई गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, आई एम करेंटली इन वायनाड, ठीक है. एंड वायनाड के डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है कलपेटा, जहाँ से मैं अपना ट्रिप शुरू कर रही हूँ. आई बेसिकली केम इन टू केरला फ्रॉम कर्नाटका बिकॉज आई वॉज डूइंग सर्फिंग फॉर अबाउट 5 days इन अ प्लेस कॉल्ड मुल्की. एंड वहाँ से मेरा रोड जर्नी शुरू हुआ कर्नाटका से केरला को. आप मेरे चेहरे को शायद देख के पहचान सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सनबर्नड हूँ. इनफैक्ट माई स्किन इज़ फुली पीलिंग ऑफ राइट नाउ, बट नेवर द लेस प्लीज़ एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा देख के इस वीडियो को. मोर इम्पॉर्टेंटली लेट मी टेल यू वॉट आर द गाइडलाइंस फॉर एंट्रिंग इन टू केरला. सी द थिंग इज कि जो COVID-19 गाइडलाइंस हैं फॉर एंट्रिंग इन टू डिफरेंट स्टेट्स, दे आर ऑब्वियसली चेंजिंग. सो आई विल नॉट नो कि कौन सी करेंट गाइडलाइंस हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट बेसिकली एट द जगराता वेबसाइट ऑफ केरला यू विल फाइंड ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन. एज ऑफ टुडे व्हेन आई एंटर द स्टेट, आई हैड टू रजिस्टर फॉर एन ई पास विद ऑल द डिटेल्स लाइक व्हीकल रजिस्ट्रेशन, व्हीकल नंबर दैट आई वॉज यूजिंग फॉर एंट्रिंग इन टू द स्टेट, द ड्राइवर्स details, my details, travelers details and the place of stay. I am currently staying at Moricap Resort and this is a part of a collaboration because they were kind enough to invite me here to see the beautiful spice plantations at their property and also take you around Wayanad. And iske sivai, I think if you're staying for more than 14 days, you do need to quarantine as of today at least, but fortunately I'm not staying for more than 14 days. So I came to Moricap last night and I checked into their beautiful premium room. And the whole room looked so nice when I entered. तो जहाँ पर मैं अभी रह रही हूँ, Moricap Resort, they have quite a lot of these villa accommodations which are so beautiful. I'm staying at this one, which is room number 306, and काफ़ी अच्छी जगह है. It's pretty, and they also have a lot of spice plantations and tea plantations and spice plantations on the property itself. So I think I'm going to go for a tour of that. बट पहले मुझे बहुत भूख लग रही है, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू हैव सम लंच. खाने के लिए यहाँ पे देयर इज अ बुफे अरेंजमेंट एंड द फूड लुक्स नाइस, प्रीटी नाइस एक्चुअली. काफ़ी कुछ ऐसी डेलिकेसीज हैं जो लोकल है, जैसे यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे तवा फ्राइड. आई थिंक दिस सीम्स लाइक इट्स लाइक लोकल केरला क्विजीन. एंड वन थिंग दैट आई पर्टिकुलरली रियली लाइक अबाउट रिजॉर्ट्स इज व्हेन दे यूज अ ग्लास बॉटल फॉर सर्विंग वाटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग ट्रेडिशनल प्लास्टिक बॉटल्स. आई फील लाइक ऑल रिजॉर्ट्स शुड मूव टू ग्लास बॉटल्स. सो ओवरऑल रियली लाइकिंग द फूड एंड ऑल्सो द व्यू एंड द ग्लास बॉटल. तो आफ्टर लंच मैं अभी बस घूम रही थी यहाँ आस पास बिकॉज द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्वाइट प्रिटी एंड अपेरेंटली आई जस्ट मेट विद द ओनर एंड ही टोल्ड मी दैट ऑल दीज हाउसेज आर एक्चुअली बिल्ट इन स्विस आर्किटेक्चर सो एज टू रिप्रेजेंट लाइक अ लिटिल बिट ऑफ स्विट्जरलैंड इन द मिडल ऑफ वायनाड बिकॉज दिस लोकेशन वायनाड इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी प्रिटी.
must have mentioned, right, that Wayanad is particularly famous for its coffee plantations, its spice plantations, and just generally whatever is grown locally over here. So currently I'm leaving for a little bit of a trek, and hum log is pure trek ke dauran dekhenge yahan ke sare local spices. We'll have somebody who will explain to us ki yahan pe kya kya ugta hai and why is coffee particularly very good in this area, and also we'll catch the sunset before we call it a day today. It's a powder puff plant. Okay. It's an ornamental variety. Here we use for the fencing purpose. And over here we have bamboo. Yes. What is your name, sir? I'm Vinod. Vinod, okay. Yeah. So Mr. Vinod is going to accompany us and give us a tour of place. Everything is coffee plantation and spice plantation. Oh wow, okay. So these are coffee beans. Okay. So we have different varieties of coffee. So this is Robusta variety of coffee. Yeah. This is the first time I'm seeing a coffee plant actually. Uh-huh. So this is the harvesting month, December, January, February. So okay. It becomes red cherry in color. At the property, do we get to taste the coffee which is made up of these beans? Yeah, this you can order the coffee, no? Yeah. It's our coffee. Oh, it's your coffee only? Yes, yes. Okay, I'm going to try a little bit of this coffee bean right now. Thoda sa. Ise saaf karke. I can eat, right? Yeah. Mmm. Oh, these beans are coffee again, beans only. They will wash it. After these beans, जब उसका एक बार आउटर कवर चेरी निकाल देते हैं then you go for cleaning and then you roast these beans. It's so exciting. Yeah. Oh, and on this side we have some pepper. ये pepper वही है जो market में काली pepper, white pepper दोनों के form में मिलती है. But it's grown as the same pepper. Same pepper. If you're harvesting these green beans and drying, it becomes black. Okay. But just leaving this a plant, it becomes red in color. Okay. Those red in color beans just harvest and dry, it becomes white. White pepper. This is the difference between white and black. So this is nutmeg. Okay. So one of the expensive spices in Kerala. All right. Yeah. So this over here is nutmeg. I accidentally pulled it from the tree, and this is usually a very expensive spice. And nutmeg usually काफी सारी cooking में use भी होता है. I don't know if you've cooked before with nutmeg, but at least my mother has, and I know that this is a very nice and flavorful spice. So I'm seeing it in its original form for the first time again in my life. So we have some bay leaf over here. Bay leaf biryani वगैरह में डलता है. वो तो बहुत ही famous spice है. Yeah, very good smelling. So अभी currently I'm walking inside a spice garden, and यहाँ पे थोड़े थोड़े घर भी हैं जिनको I'm crossing, and यहाँ पे जितने भी घर हैं उनकी एक तो construction और उनकी gardens मुझे बहुत ही ज़्यादा pretty लग रही हैं. Of course I can't shoot them, but they're all very beautiful. Look at these in the distance over there. Very nice places these are. Yeah, you can have it tonight. We can have it tonight. Oh yeah. Nice, great. Can we hold it? Yeah, you can. Okay. So this right here is pomelo. Let's go. The top, and Mr. Vinod was just telling me that the grass around us that you see over here in the back, which lemon grass, it's all lemon grass. So we have so much diversity in this area, and the best part about reaching the top is that this what you see over here in my back is actually not only the setting sun but also the second highest peak in all of Wayanad, which is the Banasura peak. And it's a beautiful sight over here because we see the setting sun, we see the peak, and we made it here to the top of our sunset point on time. Thank you.
what we just saw together was the beautiful sunset of Wayanad. At least ek cheez Wayanad ki checklist mein se meri puri ho chuki hai. Aur aaj raat ko hum log nikalne wale hain apni agli destination ke liye. So let's go from over here and get back. Yaar, ye room aur ye bed itna zyada acha aur comfortable tha. I just don't feel like leaving it behind. But main bhi south side ja rahi hu Kerala ke. इसलिए आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग एट नाइट टाइम एंड आई वॉन्ट टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस विदाउट वेस्टिंग एनी डेज एंड मैं नेक्स्ट 7 आवर्स की जर्नी कम्प्लीट करने वाली हूँ. इसलिए अभी मैंने सोचा कि चलो डिड वन डे वेस्ट करने से अच्छा वन नाइट एंड वन नाइट की स्लीप कुर्बान कर देते हैं. बट वायनाड का स्टे वॉज ऑनेस्टली वेरी वेरी नाइस. आई एम गोइंग टू मिस दिस ब्यूटिफुल रूम सो मच. ऑलराइट, बाय.